क्लास 12th के सभी बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और रिजल्ट की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिजल्ट तैयार है आपका, यानी कि उसमें सभी बच्चों का ये केवल अपडेशन रह गया है होने के लिए, या अपडेट होना है कि कितने बच्चे कोई छूटे तो नहीं, उनके स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके स्कूल से उनका रोल नंबर चेक करवाया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी आपको दे देता हूँ कि रिजल्ट 25 तारीख से पहले आएगा और मॉडरेशन कर दिया गया है। रिजल्ट में मॉडरेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर होंगे, यानी जिन बच्चों ने बॉर्डर लाइन पर सब्जेक्ट को ला करके छोड़ा होगा किसी बस, यानी कि केमिस्ट्री में अगर मान लेते हैं कि 23 मार्क्स आने हैं, तो अगर उन्होंने 18 मार्क्स के आसपास पेपर किया होगा, 15 प्लस अगर पेपर किया होगा, तो मॉडरेशन पॉलिसी के द्वारा वो पास हो जाएंगे। ये बात नोट करने वाली है, यानी कि आप फेल होने की कैटेगरी में अपने आप को नहीं गिन पाएंगे, सबसे खास बात है। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि मॉडरेशन में उन बच्चों का ज़्यादा फायदा हो जाता है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं, तो 33 मार्क्स में से अगर आपने 25 के आसपास आ गए फिर आप पास, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। यानी अपने रिजल्ट को आप एज ए पास रिजल्ट देखेंगे, अपने रिजल्ट को आप एज ए जो है वो मान के चलेंगे कि रिजल्ट आपको अच्छी खुशी जो है वो लेकर के आएगा। इसलिए जितने बच्चों ने पेपर दिए हैं, जितने बच्चों ने सभी एग्जामिनेशन में एकदम बढ़िया नंबरों से पास होंगे। और दूसरी बात आपको और बता दूं कि रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा निश्चित है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे जो उम्मीद अगर नहीं भी लगाए हैं तो वो भी उम्मीद लगा लें कि वो पास हो जाए, तो खुशी की लहर आपके दिमाग में जरूर दौड़ गई होगी, क्योंकि रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, रिजल्ट आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है जो आपको खुशी की लहर आपके मन में दौड़ाएगा, क्योंकि मॉडरेशन के अंतर्गत अधिकतर बच्चों को पास कर दिया गया है। तो मॉडरेशन के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर आपका छोटा मोटा पेपर कोई 2 4 5 नंबर का गड़बड़ हुआ है ना, तो वो नंबर भी आपको मिल जाएंगे, इसकी भी आप चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा। तो फिर इंतज़ार करिए रिजल्ट का, 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट आपका आपके पास होना चाहिए। और रिजल्ट का अपडेट लगातार मैं देता रहूँगा, रिजल्ट लगभग प्रिपेयर है और मान के चलिए कि बस पब्लिश होने की उसकी देर है, इसलिए आप इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी अब जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। तो रिजल्ट का अगर अपडेट लगातार आपको लेना है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। यूपी बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, और साथ ही साथ क्लास 10th 9th 11th 12th सभी की जानकारी इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो आपको अपडेट करूँगा आपके रिजल्ट से, तब तक आप वेट करिए, क्योंकि मॉडरेशन अप्लाई हो चुका है।